मेरा बैकग्राउंड यही है फुटबॉल, तो मैं खुद खेला भी हूँ फुटबॉल, नेशनल लेवल पे खेला हूँ, तो इस वजह से फुटबॉल की तरह मैं ज्यादा बच्चों को भी लाना चाहता हूँ। क्योंकि फुटबॉल में अगर आप फुटबॉल की प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर आप फुटबॉल प्लेयर नहीं भी बनते हैं, तो भी आपको जो आपकी फिजिकल फिटनेस है ना, तो भी आपकी फिजिकल फिटनेस आती ही आती है, तो आपका टाइम जाया नहीं होता है। अगर आप प्लेयर नहीं बनते हैं, तो भी आप फिट रहते हैं। मैं जो इस एकेडमी में खेल रही हूँ, पोजीशन मेरी है वो डिफेंडर, और इसमें हम बहुत सारे खेल रहे हैं अभी। हम 6 लड़कियाँ हैं इस एकेडमी में खेल रहे हैं, जो और बॉयज़ भी बहुत सारे हैं। और हम जाते हैं ग्राउंड, मतलब 2-3 किलोमीटर हमें दूर जाना पड़ता है ग्राउंड के लिए सुबह। अभी हमारे पास अवेलेबल अभी ग्राउंड नहीं है, लोकलिटी में ग्राउंड है लेकिन वो बहुत ख़राब है, उसमें हम नहीं जाते अभी खेलने। अगर वो सही होता तो हम उधर ही जा पाते, लेकिन नहीं, अभी हमें बहुत दूर जाना पड़ता है सुबह खेलने के लिए। कितना फायदा मिल रहा है आपको ये जो अभी एक्टिविटीज कर रहे हैं, कितना फायदा? अभी आप खुद ही देख पा रहे होंगे कि जो गवर्नमेंट है वो कितना फोकस कर रही है सपोर्ट्स की ओर। हम देख सकते हैं कि अभी जो मतलब जो अभी एज टीनेजर्स है वो अभी ड्रग्स की ओर बढ़ रहे हैं, इन खराब चीज़ों की ओर बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए बेहतर होगा कि वो खेलने के लिए ज़्यादा फोकस करे, खेलने में ही ज़्यादा ध्यान दे, खेले कूदे। इस मतलब खेलने से वो ड्रग्स एक्स्ट्रा से दूर ही रहेंगे, तो ये बेटर है इमोशनली फिट, मेंटली फिट और फिजिकली भी बहुत ज़्यादा फिट। ٹیپ کرک توتام نیرک نسل سنیر نہ توتام سی کریم سود بے ٹھیک چھا اکھ کر سود اکھ کر ہو شبا 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 شبا